की अजमतों के खिलाफ तुमने अगर कोई अपने दिमाग में अकीदा बनाया या अपनी सोच अपनी फिक्र रखी तो जान तो नहीं लेकिन तुम्हारा ईमान खत्म हो जाए। कुरान करीम का एक अलग अंदाज है, जब वलियों का जिक्र फरमाया तो सबसे पहले अल्लाह ने खबरदार किया, क्योंकि अल्लाह को इज्जत आलिम गैब व शहादा है, वो जानता है कि कयामत के करीब तक कैसे कैसे फितने लोगों के अंदर रुनुमा होंगे, ऐसे ऐसे लोग भी आएंगे जो वलियों की अजमतों के खिलाफ अपनी जबान बोलेंगे। वलियों की अजमतों को ना सिर्फ बहाल करेंगे बल्कि उनकी शान में गुस्ताखियां करेंगे, उनकी शान में तौहीन करेंगे। तो अल्लाह ने अपने वलियों का तज़किरा करने से पहले फरमा दिया अला खबरदार। आज के दौर में सबसे ज्यादा अगर आपको बदअकीदगी का इजहार मिलेगा तो वह वलियों की शान है। अभी मैंने कई ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसे स्टेटमेंट देखे इस तरह की पोस्ट रही कि जिसमें वो आयतें जो अल्लाह ने बुतों की मजम्मत में नाजिल फरमाई वो आयतें किसके हक में इस्तेमाल की जा रही, वलियों के हक। हालांकि मैं बात क्लियर कर चुका हूँ, कुरान में दो तरह की आयतें हैं, एक आयत बुतों की मजम्मत में है जिनकी कुफार मुशरिकीन इबादत करते हैं, और एक आयतें एक किस्म की आयतें वो हैं जिसमें अल्लाह ने अपने वलियों की अजमत को बयान फरमाया है। जब तुम उन आयतों को बयान कर रहे हो जिसमें बुतों की मजम्मत है तो उन आयतों को भी बयान करो जिसमें वलियों की अल्लाह ने शान बयान करना है। और वलियों की शान क्या है कि अल्लाह ने उनका जिक्र करने से पहले क्या फरमाया, अला खबरदार। सोच समझ के इस वाली में कदम रखो, अला खबरदार, इन औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के लोग हैं, ला खौफुन अलैहिम, उन्हें कोई खौफ नहीं है। आजकल हमारा ये अकीदा दिया जा रहा है ना कि ये वली भी खतरे में है, ये भी परेशान है, इनको भी अपनी फिक्र है कयामत में इनके साथ क्या होगा। माद अल्लाह, ये सब अकीदे गलत हैं और हदीस और कुरान के बिल्कुल खिलाफ। मुस्लिम शरीफ में आप हदीसे पढ़ाएंगे, कसरत से हदीसे हैं किताबों ईमान में कि अल्लाह ने जिसमें अपने वलियों की अजमतों को बयान फरमाया है कि जब मुमिनीन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे इलाहुल आलमीन, हमें तो तूने जन्नत अता फरमा दी, वो लोग जो हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, वो लोग जो हमारे साथ हज करते थे, वो लोग जो हमारे साथ रोजा रखते थे, वो जहन्नम में चले गए और हमें जन्नत मिली। अल्लाह उनसे फरमाएगा कि जाओ और जहन्नम में जाकर देखो, वो लोग जो तुम्हारी जान पहचान के ईमान वाले हैं अगर उनके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान है तो जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल दो। सही है, यह है वलियों की शान। बहुत से लोग कहते हैं ना कयामत में ये भी परेशान होंगे, वली परेशान नहीं होंगे, परेशान बेईमान होंगे, परेशान मजहब होंगे, परेशान बदअकीदा होगा, परेशान कुफारों मुशरिकीन होंगे। अल्लाह के जो वली हैं, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, वो कयामत में परेशान नहीं होंगे, उन्हें कोई खौफ नहीं है कयामत का, उन्हें कोई डर नहीं है कयामत का, बल्कि वो मुंतजिर रहते हैं कि किस वक्त उनका आखिरी वक्त आए, किस वक्त उन पर मौत आई हो, और अपनी कब्रों में मुंतजिर हैं कि किस वक्त कयामत कायम हो और विसाले खुदाबंदी नसीब हो जाए, खुदा का दीदार नसीब हो। कयामत में तमाम ईमान वालों को अल्लाह का दीदार नसीब हो, वलियों का कोई डर नहीं, कयामत का कोई डर नहीं है, वो मुतमईन है, इसलिए कि अल्लाह खुद फरमा रहा है ला खौफुन अलैहिम, उन्हें कोई खौफ नहीं। जब कुरान ने कह दिया कोई खौफ नहीं तो तुम जबरदस्ती क्यों साबित कर रहे हो वो डर रहे हैं? वला हुम यहज़नून, और ना ही उन्हें कोई गम है, ना खौफ है ना गम है, ना डर है ना वो रंजीदा है, अल्लाह के वली मुतमईन है, उन्हें कोई फिक्र नहीं है। बल्कि कुरान करीम में शैतान भी एतराज कर चुका है तेरे जो चुने हुए बंदे हैं मौलिया हैं उन पर मेरा कोई बात नहीं चलने वाला, ना दुनिया में शैतान का ईमान छीन सकता है, ना मौत वक्त उनका शैतान ईमान छीन सकता है, समझे? तो जब वो बेखौफ है, गम सदा नहीं है, बेरंज गम है, तो बताइए कि ये कहना नहीं है उन्हें भी खौफ है, उन्हें भी डर है, वो भी डर रहा है। माँ बंदा ये सारी बातें सरासर कुरान हदीस के मिला
अल्लाह के वलियों को कोई डर नहीं है, बल्कि अहादीस करीमा में आता है कि ईमान वाला जो नेक और सालिह शख्स है, वली तो बहुत ऊंची बात है, जो नेक और सालिह शख्स है कयामत का दिन उसके लिए दो रकात नमाज की तरह है, इसकी तरह है दो रकात नमाज की तरह है, इसके लिए ईमान वाले परेशान कौन होंगे कयामत में, बदमजहब बदअकीदा बेईमान बिदअती जिन्होंने अकीदों में तरह तरह के कुरान हदीस के खिलाफ अकीदे छोड़ दिए हैं, जमा के हक पर अहले सुन्नत और जमात से हटकर जिन्होंने अपने गलत सलत अकीदे बना लिए हैं, जो सरासर कुरान हदीस के खिलाफ है, कयामत में वो परेशान, ईमान वाला परेशान नहीं। तो कुरान कह रहा है अला इन औलिया अल्लाह ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना ही डर। वली कौन है, वली किसे कहते हैं, हमें ये भी मालूम होना चाहिए। कुरान में अल्लाह ने अपने वलियों की एक निशानी बयान फरमाई है, अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना आमनू, वली वो है जो ईमान वाले हैं। सबसे पहले विलायत की सबसे पहली शर्त क्या है, ईमान। जो बेईमान है चाहे वो पहाड़ों पर पूरी जिंदगी गुजारे, पूरी जिंदगी साधना करता रहे, पूरी जिंदगी इबादत रियाजात में गुजार दे, वो वली नहीं हो सकता। बद मजहब वली नहीं हो सकता, बद अकीदा वली नहीं हो सकता। जो वलियों से दुश्मनी रखते उसे विलायत कैसे नसीब हो, बद मजहब बद अकीदा नए अकीदे गंदे गलत सलत अकीदे गाने वाला वली नहीं हो सकता, चाहे कितना ही मुत्तकी परहेज़गार हो। विलायत की सबसे पहली शर्त है ईमान, ये जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है, ये जो सहाबा इकराम के जरिए हमें रास्ता रहनुमाई मिले हैं, उन्हीं अकीदों पर चलने वाला ईमान वाला, जो उन अकीदों से हटेगा वो बेईमान है। तो सबसे पहली शर्त है विलायत की ईमान, और दूसरी शर्त है वकानू या तकून, कि जो ईमान वाले हैं जो परहेजगारी किया, जिनकी जिंदगी में तकवा शामिल है वो अल्लाह के वली, जिनकी जिंदगी में तकवा है। तकवा किसे कहते हैं, तकवे की बहुत सी किस्में उलमा ने बयान फरमाई है, लेकिन आम आदमियों का तकवा यह है कि वह हलाल को इख्तियार करें, हराम से बचें। वलियों का तकवा बहुत ऊंचा है, वो न सिर्फ हराम से बचते हैं बल्कि जिन चीजों में उन्हें शक हो जाता है उससे भी बचते हैं, वो मुश्तबा चीजों से भी परहेज करते हैं। हजरत बायजीद बिस्तामी रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में चल आया, और आने के बाद पूछने लगा हजरत ज़कात की मिक़दार क्या है, कितनी ज़कात होता है। तो जो शरीयत और तरीकत के रास्ते अलग अलग बताते हैं ना, शरीयत अलग है तरीकत अलग है, वो सुनने काम कर कि तरीकत क्या है, तरीकत का रास्ता शरीयत से ज्यादा खतरनाक है, समझ रहे हैं आप। शरीयत तो यह है कि आदमी 40वां हिस्सा अल्लाह के नाम दे। तो हजरत बायजीद बिस्तामी रजी अल्लाह तआला अन्हु जो सुल्तानुल आरिफीन है, जिनका जिक्र पिछले हफ्ते मैंने किया था, तो उनसे किसी ने पूछा ज़कात का निसाब क्या है, ज़कात कितनी देनी चाहिए। आपने फरमाया कि शरीयत के हिसाब से बताऊं या तरीकत के हिसाब से बताऊं, शरीयत के हिसाब से बताइए। तो आपने फरमाया शरीयत यह है कि 40वां हिस्सा अल्लाह के नाम है, जो हाजत असलिया से पारित हो, अगर तुम साहिब निसाब हो हाजत असलिया से जो साहिब हो उसका 40वां हिस्सा अल्लाह के नाम है। उसने मुझे आदत तरीकत की ज़कात बता दी। तो आपने फरमाया तरीकत की ज़कात यह है कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है सब कुछ अल्लाह के नाम है, यह है तरीकत की ज़कात, समझे। शरीयत की इबादत है पांच नमाजें, पांच नमाजें अदा करनी शरीयत का हक अदा हो गया। और तरीकत की इबादत यह है कि हर वक्त जबान अल्लाह के जिक्र में रब्बुल लिसान रहे, हर वक्त जबान अल्लाह के जिक्र में तब रहे, यह है तरीकत की इबादत। पांच नमाजें तो पढ़नी है, ये छोड़ नहीं सकते। हजरत रोसे आलम रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मुजाहदात रियाजात से फारिग हुए, वाकया मशहूर है, 40 साल इबादत और रियाजात से जब आपको फरागत हुई
और जो जिंदगी आपने गोशा नशीनी की गुजार रहे थे उससे बाहर आए, तो आपने देखा आप रास्ते से जा रहे हैं, आसमान में बादल छा गया, एक नूरानी बादल का टुकड़ा, उस बादल में से आवाज आई, ए अब्दुल कादर मैं तेरा रब हूं और तेरी इबादत से खुश होकर, तेरे मुजाहदात और यादात से खुश होकर मैंने तेरे ऊपर सारी नमाजें माफ कर दी। अब आराम से हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी बगदादी अली रहमतुल्लाह ने जब गौर और फिक्र किया अपने इल्म की रोशनी में, तो पता चला कि नमाज तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल, मेरी तो क्या औकात है, ना हजरत अबू बकर सिद्दीक पर माफ हुई, ना हजरत उमर फारूक पर नमाज माफ हुई, ना हजरत उस्मान अली पर कभी नमाज माफ हुई, ना हजरत मौला कायनात अली करमल्लाहु वजहहु करीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर नमाज माफ हुई, जो बाब मदीना के इल्म है, ना ही हजरत इमाम हुसैन हसन पर नमाज माफ हुई, ना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन पर नमाज माफ हुई, ना बड़े बड़े उससे पहले असलाफ गुजरे हैं, सालिहीन गुजरे हैं, उन पर नमाज माफ ना हुई तो मुझ पर कैसे माफ हो सकती है। आपने गौर और फिक्र किया तो नतीजा निकाला ये शैतान है, ये शैतानी बात है। आपने कौन कहा है शैतान तू मुझे गुमराह करना चाहता है, लिहाजा आपने जैसे ही ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अली अज़ीम पढ़ा, वो बालक छड़ गया और शैतान भागने लगा और भागते हुए कहने लगा अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि अब भी मुझे धोखा देना चाहता है, मेरे इल्म ने नहीं, अगर इल्म बचा लेता तो तू बच जाता, मुझे तो मेरे अल्लाह के फज़्ल ने बचाया, अल्लाह की मेहरबानी ने बचाया है, अल्लाह के करम ने बचाया है, इल्म ने नहीं, तकब्बुर नहीं, तकब्बुर नहीं, तकब्बुर नहीं होना चाहिए अगर आप साहिब इल्म हैं। जन्नत भी इबादत की बुनियाद पर नहीं मिलेगी, आज मैं बता रहा हूँ फैसला होगा, अल्लाह की रहमत की बुनियाद पर मिलेगी, इबादत अल्लाह की रहमत के तक पहुंचाने का जरिया है, समझा, ये जो रास्ता है ना इबादत का, ये अल्लाह की रहमत तक पहुंचाता है, जन्नत अल्लाह की रहमत से मिलेगी, ये अहादीस का खुलासा। तो गौसे आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर शैतान ने वार करना चाहा, लेकिन आप समझ गए कि ये शैतान है, तो याद रखें हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस वाकये ने क्लियर कर दिया कि ये पांच वक्त की नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है, आप चाहे तरीकत के किसी भी मकाम पर पहुंच जाए, किसी भी मकाम पर पहुंच जाए नमाज माफ नहीं। जो ये कहे नमाज माफ है या हमें नमाज की जरूरत नहीं है, माद अल्लाह कुरान करीम गवाह है, हदीस गवाह है, इस्लाम से खारिज, नमाज की फर्जियत का जो इनकार करेगा मुसलमान नहीं है। तो तरीकत इसका रास्ता शरीयत से ज्यादा मुश्किल है, इंशाल्लाह इसी पर अगले हफ्ते गुफ्तगू जारी रहेगी, वक्त हो गया है।